आइए आज आपको एक नया विषय है जिसको हम रीजनिंग मेंटल एबिलिटी कहते हैं, तर्क शक्ति और मानसिक योग्यता हिंदी में कहते हैं। और ये विषय जब हमारे बच्चे पांचवी छठी सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं क्लास के बच्चे जब अपने विद्यालय में नवोदय विद्यालय परीक्षा की तैयारी करते हैं, प्रवेश परीक्षा की या NMMS की तैयारी करते हैं या NTSC परीक्षा की तैयारी करते हैं, जो होशियार बच्चे इस परीक्षा में पूरा जोर लगाते हैं पास करने के लिए, छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए, योग्यता प्राप्त करने के लिए, तो उन बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण जो विषय है रीजनिंग मेंटल एबिलिटी, उसमें बच्चे कई बार जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते। तो आइए उस विषय की तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण शुरुआत हम करने जा रहे हैं और उसमें बहुत सारे विषय हैं। जिस तरीके से गणित में टॉपिक है तो इसके भी रीजनिंग के भी बहुत सारे टॉपिक है। तो एक पहला टॉपिक हम आज आपको बताएंगे जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। बड़ा ही रोचक विषय है ये, बच्चे अगर इसमें ध्यान दें तो बड़ा मजा आएगा सीखने में। और इसी तरीके से आप बहुत सारे अपने दिमाग में बहुत सारे सवाल खुद भी लिख सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, बना सकते हैं, उनका हल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए कोडिंग डिकोडिंग, जिसको एक भाषा में हम हिंदी में सांकेतिक भाषा, कूट की भाषा या गुप्त भाषा भी कह सकते हैं। तो ये जो कोडिंग डिकोडिंग है ये इसमें इंग्लिश के जो अक्षर है ABCD जो हमारे अल्फाबेट्स है, तो उनसे सवाल पूछे जाते हैं, उनका प्रयोग करके या अंकों का प्रयोग करके या अन्य संकेतों का प्रयोग करके आपको कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक आसान सा प्रश्न, एक क्वेश्चन आपके सामने या बोर्ड पे लिखा गया है, पहले हम उसको हल करते हैं, समझते हैं, फिर लाइक वाइज इसी तरीके से दूसरे प्रश्नों को हल किया जा सकता है। तो बच्चों हम पढ़ते हैं, एक सांकेतिक भाषा में अगर सुमन को, सुमन मतलब SUMAN, सुमन को TVNBO कहा जाता है, तो ठीक उसी भाषा में अनीता को क्या कहा जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें दे लगाया गया है। तो इसके जो चार ऑप्शन है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें पहला ऑप्शन है, फिर दूसरा ऑप्शन है बी, फिर सी, फिर डी। डी है, अगर इनमें से कोई उत्तर नहीं है तो हमने उत्तर लगाना है डी। तो इसको हल हम कैसे करेंगे, कैसे इसको समझेंगे, आपके लिए मतलब बहुत ही आसान कार्य है। अगर हम इसको देखें, अगर हम इसको ये देखें, जो पहला जो अक्षर दिया गया है सुमन, SUMAN सुमन, जिसको TVNBO इंग्लिश का इंग्लिश में दिया गया है, अंग्रेजी के जो कैपिटल लेटर है उन्हीं का अंग्रेजी में जो कैपिटल लेटर है, एक कोड बनाया गया है, सुमन को बदल के TVNBO बनाया गया है। अब कैसे बनाया गया है, पहले उस तरीके को हमने समझना है। अगर ये तरीका हमें समझ में आ जाए, भाई इसके बदले कौन सा अक्षर चेंज किया गया, किस तरीके से चेंज किया गया है, अंग्रेजी के जितने भी लेटर है उनको किस तरीके से चेंज किया गया है, ये तरीका अगर हमें समझ में आ जाएगा तो निश्चित रूप से जो दूसरा इसका जो उत्तर हमने ढूंढना है अनीता के लिए, तो उसको हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं, जैसे इंग्लिश का जो एस लेटर है, एस को अगर हम ध्यान से देखें, जो पहला का पहला जो लेटर है एस से नेक्स्ट लेटर होता है टी, एस को टी में बदल दिया गया, यू को वी में बदल दिया गया, यू के बाद वी आता है, एम को एन में बदल दिया गया, एम के बाद नेक्स्ट अक्षर एन आता है, ए को बी में बदल दिया गया है, ए के बाद नेक्स्ट अक्षर बी आता है, आपको पता है, एन को ओ में बदल दिया गया, एन के बाद नेक्स्ट अक्षर ओ आता है। तो ये बड़ा आसान सा कार्य है, सुमन का जो सांकेतिक कूट भाषा जो बना दी गया, कोड बना दिया गया इस मतलब TVNBO। तो सेम उसी तरीके से अनीता को हम बना देंगे ANITA। ए को जिस तरीके से नेक्स्ट अक्षर एस से अगला अक्षर अंग्रेजी का वो दिया गया है, तो ए से अगला अक्षर अंग्रेजी का बी है, एन से अगला अक्षर अंग्रेजी का ओ है, आई से जो नेक्स्ट अक्षर है अंग्रेजी का वो जे है, और टी से नेक्स्ट अक्षर जो है अंग्रेजी का वो यू है, और ए से फिर दोबारा जो नेक्स्ट अक्षर है वो बी है।
तो अगर बच्चों अगर हम इस तरीके से देखें भाई, जो इनके जो जो इनके सामने वाले अक्षर है, इन्हीं के सामने वाले अक्षरों से वो इसी तरीके से, जैसे जिस तरीके से इसमें बदलाव हुआ है, सेम उसी तरीके से इसमें बदलाव करना है। पहले हमने जो समस्या हल करके दी गई है उसको समझना है, किस तरीके से बदलाव हुआ है, सेम उसी तरीके से बदलाव इसमें करना है। ये कोई ज्यादा मुश्किल कार्य नहीं है। तो इसको समझने के लिए पहले समस्या को जो दी गई है हल करके उसको समझना है, उसका तरीका समझना है, उसमें किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया गया है, पीछे किया गया है। इसमें बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कोई एक निश्चित रूल नहीं है भाई, आगे आगे करना है, पीछे पीछे करना है। इसमें बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे इसमें, जब ज्यादा सवाल को और ज्यादा मुश्किल बनाना हो, ये तो बहुत आसान सवाल है। अगर इस सवाल को हमने मुश्किल बनाना है तो इससे, जैसे अगला अक्षर बनाया गया है, इससे भी अगला अक्षर बनाया गया है, इसको हम दो दो भी आगे सरका सकते हैं, तीन तीन भी आगे सरका सकते हैं, चार चार भी आगे सरका सकते हैं, या फिर पीछे सरका सकते हैं। ऐसे पीछे वाला अक्षर ले जाइए, जैसे हम ABCD को जो पढ़ते हैं, तो टी के बाद, जैसे एस के बाद टी आ रहा है, और टी से पहले एस आ रहा है, और एस से पहले आर आ रहा है, तो यहाँ पे आर भी कर सकते हैं, यू से पहले भी अक्षर कर सकते हैं, एम से पहले भी अक्षर कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से इसके पीछे वाला अक्षर, अगर हम एन ए से पीछे जाएंगे तो जेड पे चले जाएंगे। इसके लिए हम वर्णमाला को देखेंगे अगले वीडियो में। तो वर्णमाला का जो आधार है, और वर्णमाला के आधार पे किस तरीके से उसको समझे, कैसे प्रश्न हम हल कर पाएंगे, तो इसलिए इसका जो उत्तर है BOJUB, BOJUB, बी कोड में आपका ये उत्तर है। तो इससे प्रश्न का उत्तर हम बी लगाएंगे, बी मार्क करेंगे। जब हम आंसर शीट में, जब हम कॉलम, जब आंसर शीट होती है और ब्लैक ओवल जो ब्लैक करने होते हैं, हम सही तरीके से उसी सवाल का उसमें ही उत्तर सही तरीके से भरेंगे, ऑप्शन में ओवल को काला करके या नीला करके। तो इस तरीके से बच्चों हम, ये तो एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने, सेम इसी तरीके से आप खुद लिख के, सुमन को जैसे ये लिखा गया है, किसी का भी नाम लिख लें, कोई भी अक्षर लिख लें, टेबल लिख लें, चेयर लिख लें, उसका कोड बना दें, उसको एक एक आगे सरका दें, उसको दो दो आगे सरका दें, दो दो पीछे सरका दें, तीन तीन पीछे सरका दें, या फिर एक अक्षर को आगे कर दिया, दूसरे अक्षर को पीछे कर दिया, एक तीसरे को आगे कर दिया, चौथे को पीछे कर दिया, अल्टरनेट करके, या दो को आगे कर दिया, दो को पीछे कर दिया। इसी तरीके से इसमें बहुत सारे तरीके मतलब बदल सकते हैं, अप्लाई हो सकते हैं। इसके सवालों को हल करने के लिए आप जो आपके पास बुक है जिसमें प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को अगर ध्यान से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, सिर्फ आपको ये तरीका समझ आना चाहिए पहले, डिकोडिंग डिकोडिंग है क्या। एक अक्षर का कोड आपको दिया गया है, दूसरे अक्षर का कोड आपने बताना है, पहला अक्षर का कोड जो इसमें बदल के जो दिया गया है उसको अच्छे से समझ जाएंगे, जो तरीका इस पे अप्लाई हुआ है वही तरीका इस पे अप्लाई होगा। अगर ये कर दिया गया भाई, सुमन को उलट के, जैसे ये चौक है इसको उलट के ऐसे कर दे, तो इस तरीके से अनीता को उलट के ऐसे कर देंगे। अगर इसके जो पहले दो अक्षर है पीछे ले जाए, तो इसके पहले दो अक्षर पीछे ले जाएंगे। जो भी चेंज इस तरीके से इसमें किया जाता है, दिए हुए प्रश्न में पहले उदाहरण में किया जाता है, तो सेम तरीका सेम चेंज दूसरे उसमें हम करेंगे, तो हमारा उत्तर बड़ा आसानी से आ जाएगा। अगर हम इस सारे स्टेप को फॉलो करते हैं सही तरीके से, तो रीजनिंग के हर सवाल हम कोडिंग डिकोडिंग के हल कर सकते हैं। ये एक सवाल जो अल्फाबेट्स के मतलब अंग्रेजी के जो लेटर्स है उस पे आधारित है, इसमें और बदलाव करके हम अगली वीडियो में आपको कोडिंग डिकोडिंग के और अच्छे सवाल, और थोड़े से गहरे सवाल जो मुश्किल सवाल है उसको बताए जाएंगे। इसी के साथ आपका धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए आप और वीडियो देखते रहें। धन्यवाद। थैंक यू।